नमस्कार, मैं अजीत और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा फार्मिंग चैनल विशाल फार्म में। तो चलिए आज हम जानते हैं जो अमृतम या फिर आइस बॉक्स, जो कि हम 2 से 3 साल तक डीप फ्रीजर में उसको रख सकते हैं, उसके बारे में आज ये दूसरा वीडियो है। और आज मैं दिखाने वाला हूँ पिछले साल का जो फल है जो है डीप फ्रिज में से ताज़ा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। और जैसा कि अभी देख सकते हैं आइस बॉक्स यानी अमृतम, जो कि हमारे इंडिया का एक वेराइटी है, जो कि विशाखापट्टनम से 28 किलोमीटर दूर तरलुवाड़ा गांव के किसान कोंगरा रमेश ने इस वेराइटी को डेवलप किया था। जून के आखिरी या फिर जुलाई के पहले वीक में ये पकता है हमारे यहाँ पर, और जो कि हम अभी आपको दिखाने वाले हैं प्रूफ के साथ कि पिछले साल का भी आम अभी भी वैसा है और टेस्ट में कैसा है अभी देखेंगे। जैसा कि अभी देख सकते हैं ये जो हमारा बारिश का सीज़न आ गया है, जून के आखिरी ये जुलाई हो चुका है, और ये ऐसे बरसात में भी देखिए कितना ये सफ़ेद है आम, कितना बेहतरीन ये लग रहा है, जो कि इसका जो है ऊपरी हिस्सा जो है ये काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं ये पक गया है क्या है। हाँ, ये पक गया है, देखिए। अरे ये देखिए अभी ये पक गया है, और इसको हम जो कि स्टोर करके रख सकते हैं, सबसे ये अच्छा क्वालिटी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इस वेराइटी का जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर शो 2015 में इस आम को स्थान मिला था। इस आम के बारे में अधिक आप जानकारी के लिए गूगल पे भी अमृतम मैंगो सर्च करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं ये जो आइस बॉक्स है ये 200 ग्राम के आसपास का साइज है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, लेकिन इसका ये मेन जो क्वालिटी है इसका, ये काफ़ी दिन तक इसका कीपिंग क्वालिटी रहता है, 2 साल तक डीप फ्रिज में आराम से ये रहता है। काफ़ी इसीलिए डिमांड हो रहा है फल का कि हम जो है ऑफ सीजन में इसको आम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आम कुछ ही दिनों रहता है, और ये आम जो कि काफ़ी दिन रहता है सबसे ये अच्छा क्वालिटी है। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जो है पिछले साल का आम अभी जो है डीप फ्रीजर में भी ताज़ा है और टेस्ट भी वैसा का वैसा है। तो चलिए सीधे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि डीप फ्रिज में कैसे अभी आम ताज़ा है। अभी देखते हैं कि पिछले साल का जो आम है सर यहाँ पर रखे थे डीप फ्रीजर में, तो खोल के देखते हैं सर, थोड़ा आम को दिखाइए। और ये देखिए ये जो कि 1/6/2021 यानी मैं दिखाता हूँ और थोड़ा पास से आपको, और ये पिछले साल इसको रखे थे ना, और 1 साल के बाद देखिए आम कैसा है। और अभी इसको हम देखते हैं कैसा है, अभी निकाल के देखते हैं इसका छिलका। ये पिछले साल का आम, और थोड़ा निकाल के देखिए इसका जो छिलका है वो केले टाइप का निकल जाता है, तो देखते हैं देखिए कितना अच्छे से ये इसका छिलका निकल जा रहा है, जैसे बनाना जैसे निकलता है वैसे ही। अभी देखते हैं, हाँ बज रहा है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट एकदम मीठा है, लेकिन खट्टा मीठा लग रहा है बिल्कुल, लेकिन बहुत बढ़िया मीठा। एक साल के बाद रहने के बाद कोई पता चल रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी आज का तोड़ के जैसे हम खाते हैं ऐसा ही लग रहा है, मतलब 1 साल के बाद भी अभी जो कि ताज़ा ही लग रहा है आम, तो बिल्कुल ताज़ा है। ये देखिए कहाँ पर बिल्कुल जैसा शाइनिंग रहता है, जैसे 1-2 दिन में तोड़ा हुआ आम जैसा दिख रहा है ऐसा ही है, बाकी बिल्कुल एकदम मीठा, बहुत बढ़िया मीठा लग रहा है ये। तो जैसे ये आम का क्वालिटी ये है कि 1 साल के बाद भी अभी ताज़ा है, और जैसे पापा बोल रहे थे कि मीठा भी काफ़ी अच्छा है, तो ये जो कि हम इसको अगर डीप फ्रिज में रखेंगे तो जो है जिस समय आम नहीं मिलता उस समय जो कि हम इसको आराम से मार्केट में बेच सकते हैं और लोगों को आम खिला सकते हैं। और सर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसका जो है पौधा उन्होंने उगाए हैं, और काफ़ी आगे जाकर इस आम की काफ़ी अच्छा डिमांड होने वाला है क्योंकि ऑफ सीजन में हमको मिल सकता है। तो और इसका पतला देखिए, इसका गुठली भी जो है बहुत ही पतला है, बहुत पतला गुठली है। तो ये अमृतम जो कि आइस बॉक्स एक काफ़ी अच्छा वेराइटी किसानों के लिए आगे जा करके साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो,
और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान।